अपनी ज़रूरत समझकर, अपनी इस्लाह को इस काम में समझकर आदमी लगेगा तो चलना है। हालात मुसाहिब होंगे तब भी चलेगा, ना मुसाहिब होंगे तो नहीं चलेगा। मेरी ज़रूरत है, मुझे करना है। और अगर हमने ये सोचा कि मैं काम ऐसा है कर लिया तो वाह वाह, नहीं किया तो कोई बात नहीं, तो फिर आदमी मुसाहिब हालात में तो करेगा, ना मुसाहिब हालात में बैठ जाएगा। मेरे भाई दोस्तों, जहाँ करने पर बेशुमार इनामात इकरामात अजर का वादा है, वहाँ न करने पर पकड़ और वहीद और अज़ाब भी सख्त। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती कि आप एक बार औरत कदे पर तशरीफ़ लाए, चेहरे अंदर से महसूस हो रहा था कि अहम बात है, इतनी अहमियत कि आपने किसी से गुफ्तगु नहीं फरमाई, वज़ू फरमा कर मस्जिद में तशरीफ़ ले गए, मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और हमको सलाह की बात फरमाया कि वो हरी बातों का हुक्म करते रहो, बुरी बातों से रोकते रहो, मुबादा वो वक्त आ जाए कि तुम दुआ मांगो और तुम्हारी दुआ कबूल न हो, तुम सवाल करो और तुम्हारा सवाल पूरा न किया जाए, तुम दुश्मनों के खिलाफ मदद चाहो और तुम्हारी मदद न की जाए। ये कलिमात फरमाए और मेंबर से नीचे तशरीफ किया। मेरे भाई दोस्तों, और करें, जितने हमारे हालात और परेशानियां हैं वो इन्हीं के अंदर और उसकी तशरीह करती है। इधर की जिम्मेदारी अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना, इस जिम्मेदारी को हम फंसे कुछ डाल देंगे, कमजोरी सुस्ती काली हो जाएगी, तो फिर मेरे भाई दोस्तों दुआएं कबूल नहीं होंगी, मसले हल नहीं होंगे, दुश्मनों के खिलाफ मदद नहीं की जाएगी। तो जहां एक तरफ फजाए वहां न करने पर नुकसान भी, और नुकसान हम देख रहे हैं, बातिल गंदलाता फिर रहा है, अल्लाह की नाफरमानियां आम हो रही हैं, जिम्मेदारी हमारी है। हमें अल्लाह ने दीन की मेहनत का की नियामत दी थी, हमने उसके कदरदानी नहीं की। दीन की मेहनत का छोड़ देना ये सिर्फ यही काफी है बेदीनी के आ जाने के लिए। बेदीनी को लाने के लिए किसी मेहनत की जरूरत नहीं है, दीन की मेहनत का छोड़ देना वो बेदीनी को ले जाए। जैसे मिसाल देते हैं, जमीन को अगर हम बार करके मेहनत करके और उसके अंदर बीज बोया जाए, उस पर मेहनत की जाए तो पैदावार होगी, फल आएंगे, अनाज आएंगे। लेकिन जमीन के अंदर झाड़ झंकार पैदा करना हो, कीड़े मकोड़े पैदा करना हो, सांप बिच्छू पैदा करना हो, किसी मेहनत की जरूरत नहीं। जमीन को बनाने की मेहनत छोड़ दी जाए, अपने आप वो बंजर हो जाएगी, झाड़ झंकार हो जाएंगे, सांप बिच्छू होंगे। दोस्तों, ये दीन की मेहनत का छोड़ लेना यही काफी है बेदीनी को लाने। अगर हमने ये सोच लिया कि भाई हम तो नमाज हो रही है, हमारे तो रोजे हो गए, हमारी दिल तिलावत हो रही है, हमें दूसरों से क्या मतलब, मेरे भाई दोस्त इसको पकड़ लें, तुम सब के सब जिम्मेदार हो, तुमसे तुम्हारे नतीजों के बारे में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। ये तो काम अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे बहुत ही वक्त खोला, हम इसमें गौर करें तो इसमें अपनी जात से लेकर और दुनिया में बसने वाले सारे इंसानों फिक्र इसके अंदर छुपी है। तरतीब भी ऐसी है, तालीम के जरिए मेरे अंदर शौक पैदा हुआ, घर की तालीम के जरिए घर वालों के अंदर आमाल का शौक पैदा हुआ, फिर रोजाना की मुलाकातें और गश्तों के जरिए मोहल्ले में मेहनत हो, फिर तीन तीन दिन लगाकर शहर के अंदर मेहनत हो रही है, शहर के अतराफ में मेहनत हो रही है, फिर चिल्ला साल का लगाकर पूरे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मेहनत हो रही है, और फिर चार चार महीने के जरिए पूरे आलम में फिर आया। तो अपनी जात से लेकर दुनिया में बसने वाले सारे इंसानों के लिए इसके अंदर बहुत से लोग जमात के जाओ तो पूछते
इतनी दूर आ गए, आपने समझो हिदायत पा गए मेरे भाई दोस्त। ये मुस्तकिल और साथ में करने की मेहनत है, पैरेलल करने की मेहनत। ये नहीं कि भाई एक को जब तक इनको हिदायत नहीं मिल जाएगी दूसरे के पास नहीं जाएगी, सबकी फिक्र करनी, यही फर्क है नबियों की मेहनत में और दुनियादार लोगों की मेहनत में, यही फर्क है। दुनियादार मेहनत में क्या है, दुनिया वालों की मेहनत में कि भाई 51% लोग हमारी तरफ आ गए तो काम खत्म, अब 49% जाए चूल्हे बाड़ में, हमसे क्या मतलब, हमारी तो मेजॉरिटी हो गई, अक्सरियत हो गई हमारी, हम कामयाब हो गए। और नबियों की मेहनत, 99% भी लोग हमारी तरफ और 1% बाकी, उसकी भी फिक्र करनी है, छोड़ नहीं सकते। और सब आ गए फिर भी मेहनत जारी रहेगी कि बाकी रहे, ये जोते मुसलसल है, जोते मुसलसल मुस्तकिल फिक्र, दायमी फिक्र, दायमी गम उम्मत। अरबों की जमात आई थी बहुत पहले, तो उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानियां बयान की। फिर जो बयान कर रहे थे उन्होंने बड़ी अजीब बात की, उन्होंने ये फरमाया कि अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़िबा हो गए होते तो कुर्बानी किसकी ज्यादा होती, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की या इस्माइल अलैहिस्सलाम की। तो जहन में ये बात आती है कि भाई जो ज़िबा हो गए इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके कुर्बानी ज्यादा। उन्होंने ये फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी ज्यादा हो इसलिए कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़िबा हो गए होते तो उनकी कुर्बानी तो उस दिन खत्म होती, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस दिन शुरू होती। मुस्तकिल गम, मुस्तकिल फिक्र कि बेटे को मैंने ज़िबा किया, गम के साथ जिंदगी गुजारना। इससे पता लगता है कि जो भी मुसलसल है, गर्दन कटाना नहीं है, गर्दन छुपाना ये मुश्किल काम होता है। आज ईमान वाले गर्दन कटाने को भैया और गर्दन छुपाने को कहो पांच वक्त तो मुश्किल। इसीलिए जब लौट रहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो समझा रहे हैं, अब हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह के रास्ते में निकल कर तो तहज्जुद भी पढ़ना आसान थी और नवाफिल भी पढ़ना आसान थी, तकबीर उमदा छोड़ना मुश्किल थी, सर पर आजाद थी, सर पर इकामत थी, चाहते थे, लेकिन अपने मकाम पर आ गए। अब तकबीर उमदा के साथ नमाज का इंतजाम, अब जिक्र तिलावत की पाबंदी वक्त तय करके, इंफिरादी मामूलात को वक्त तय करके पूरा कर, कुरानों का जोर था। अब मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह उनकी पहली नशिस में पहली बात उन्हीं की हुआ करती थी, तो एक जोड़ में फरमाया कि जो शख्स अपने इंफिरादी आमाल वक्त का तायुन कर दे, तय करके अपने इंफिरादी मामला तस्वीर गिरावत को पूरा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके मामला का इंतजार करना। तो जो वक्त तय करके रोज उसी वक्त पर तस्बीह पढ़ रहा है, उसी वक्त पर तिलावत कर रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके अमाल का इंतजार करना। फिर मिसाल दी, कोई हमसे ये कहे कि भाई मैं कल किसी वक्त आपके यहाँ आऊंगा, तो भाई किसी वक्त आया, सुबह आएगा नहीं, दोपहर में आएगा नहीं, शाम में आएगा, जब उसको वक्त मिलेगा आ जाएगा। लेकिन कोई ये कहे मैं कल सुबह 10 बजे आपके यहाँ, और मालूम है वो वक्त का पाबंद है, उसका इंतजार अलग होगा। आदमी बार बार घड़ी देखे कोई 9 बजे देखो आने वाले का कमरा ठीक कर दो, 9:30 फट 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 आ गए। हर अमल में अपने आप को चलाना वक्त की पाबंदी के साथ, 3 दिन का जो हमारा हफ्ता उसमें चलना, अब इसमें कुर्बानी। अब ये सोचा कि पहले हफ्ते में लगा देंगे नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, चौथे में लगा भी लिया, तब भी क्या है दुनिया के तकाजों पर
हमने दीन को कुर्बान कर दिया। इस हफ्ते को जरा काम आ गया, अगले हफ्ते चले गए दुनिया के तकाजे पर, दीन को कुर्बान कर दिया, तो अब दुनिया की मोहब्बत कैसे निकलेगी, दीन की मोहब्बत कैसे आएगी। तो आदमी जनता के लिए मेरा हफ्ता है, मुझे उसमें जाना है, दुनिया के कामों को आगे पीछे करता, तो अब दुनिया की मोहब्बत निकलती, दुनिया कुर्बान होती, इसकी मोहब्बत निकलती और दीन पर कुर्बान होती तो दीन की मोहब्बत निकलता। अजीमत की बात की, आदमी अपना हफ्ता तय करे, रोजाना के 2.5 घंटे का वक्त तय करे, मुझे इस वक्त 2.5 घंटे दे, मुझे साल में इस वक्त चिल्ला लगाना है, और उस वक्त पर निकले, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे तो वक्त लगाना है। फिर अल्लाह की मदद आती है, फिर अल्लाह तबारक व तआला ईमान में इजाफा फरमाते हैं, फिर आदमी तरक्की करता है, आदमी तरक्की करता है। तो इसके हम सब नियत हैं इंशाअल्लाह, जो हमारे मामलात हैं, चाहे वो के हो, चाहे मकामी काम के हो, उसको हम सबको जानना है और तय करना है, सब करेंगे।